Hello students, in this session we are going to continue with exercise number 15.1. Question number 16. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is good one. Student, hame yahan pe एक एक्सपेरिमेंट दिया है जिसमें हमने 12 डिफेक्टिव पेन्स को 132 गुड पेन के साथ मिक्स कर दिया है। अब हम सिर्फ पेन को देख के नहीं बता सकते कि ये डिफेक्टिव है या अच्छी है, मतलब डिफेक्ट ऐसा है जो बहुत माइनर है, तो आप पेन को देख के ऊपर से नहीं बता सकते कि पेन इज डिफेक्टिव और नॉट। अब इस लॉट में से हमने एक पेन को रेंडमली बाहर निकाला है। अब हमें ये फाइंड करना है कि हमने जो पेन रेंडमली बाहर निकाला है वो अच्छी हो, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस ऑन अ नोटबुक। सो एज वी हैव सीन इन अ क्वेश्चन, व्हाट वी हैव गिवन इज वी हैव टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स आर 12 एंड वी हैव नंबर ऑफ गुड पेन्स एंड दैट आर इक्वल टू 132। सो इन टोटल number of pens we have are, so total number of pens 132 good ones plus 12 defective ones and that is equal to 144। तो in total हमारे पास इस experiment में 144 pens है, मतलब इस experiment के जो total number of outcomes होंगे वो कितने होंगे, 144। clear। अब हमें क्या find करना है कि हमने जो इसमें से रेंडमली एक पेन निकाला है वो पेन अच्छा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट इज इक्वल टू, देखो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हमने जो पेन निकाला है वो गुड वन हो। तो यहां पे टोटल गुड वन पेन कितने हैं, 132। तो हमारे इस इवेंट के जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, 132। ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर इट, प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन एंड दैट इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में आएगा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट एंड दैट इज इक्वल टू 132 और डिनोमिनेटर में आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स है 144। नाउ लेट अस रिड्यूस दिस, दिस विल बी 12 11s एंड दिस विल बी 12 12s। तो हमारे गुड पेन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 11/12। क्लियर, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 17। A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? हमारे पास एक 20 bulbs का lot है जिसमें से 4 bulb जो है वो defective है। अब हमें इस 20 bulb के lot में से एक bulb जो है वो निकालना है और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हमारा निकाला हुआ बल्ब जो है वो डिफेक्टिव हो। ठीक है, अब आगे, सपोज द बल्ब ड्रोन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। नाउ वन बल्ब इज ड्रोन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्ट। अब मान लो कि हमने जो बल्ब निकाला था फर्स्ट क्वेश्चन में वो डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है, और उसे हमने वापस अंदर भी नहीं रखा। अब बाकी जो बल्ब बचे यानी कि 20 में से एक निकाल लिया तो 19 बल्ब बचेंगे, बाकी जो 19 बल्ब बचे हैं उसमें से हमने वापस एक बल्ब निकाला। अब हमें ये फाइंड करना है कि वो 19 में से जब हमने बल्ब निकाला तो वो बल्ब डिफेक्टिव ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट। क्लियर, लेट अस सॉल्व इट। सो एज वी हैव सीन इन अ क्वेश्चन, what we have given is we have given a lot of 20 bulbs, so what we have is total number of bulbs
एंड दैट आर इक्वल टू 20। ठीक है, अब इस 20 में से चार बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, नाउ इस 20 बल्ब में से हमें एक बल्ब जो है वो निकालना है और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हमारा निकाला हुआ बल्ब डिफेक्टिव हो। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट अ डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, नाउ इस लॉट में टोटल डिफेक्टिव बल्ब जो है वो चार है। मतलब ये जो हमने यहाँ पे इवेंट लिखा है, इस इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? चार होंगे। सो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट वो कितने हो जाएंगे? 4। डन। चलो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। Probability of getting a defective bulb, numerator में होगा number of favorable outcomes जो कि यहाँ पे 4 है, और denominator में होगा total number of outcomes that is equal to 20। अब इसकी probability 4/20, 4 5s are 20 होता है, that means the probability is 1/5। Clear? अब सेकेंड पार्ट में हमें ये दिया है कि सपोज हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो बल्ब निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं था, मतलब वो अच्छा वाला बल्ब हमने निकाल लिया और वापस हमने लॉट में उसको रखा भी नहीं है। मतलब अब लॉट में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इन अ लॉट इज इक्वल टू 19, क्योंकि हमने एक निकाल लिया है और वो जो है वो डिफेक्टिव नहीं था और वापस हमने उसको रिप्लेस नहीं किया है। दैट मींस अब हमारे पास टोटल बल्ब्स जो है वो कितने बचेंगे? 19 बचेंगे। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अगर हम इस 19 में से एक बल्ब वापस निकालें तो वो दोबारा निकाला हुआ बल्ब जो है वो डिफेक्टिव ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब पहले टोटल बल्ब जो है वो 20 थे, उसमें से 4 डिफेक्टिव थे, मतलब पहले नॉन डिफेक्टिव बल्ब 16 थे। समझ रहे हो? सी लेट मी टेल यू, पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बल्ब जो है वो 20 थे, उसमें से 4 डिफेक्टिव थे, इसका मतलब नॉन डिफेक्टिव कितने हुए? 20-4 दैट इज 16। डन। अब 16 में से हमने एक तो निकाल लिया, मतलब अब बचेंगे कितने? 15 बचेंगे। ठीक है, तो अब हमारा इस इवेंट के, अब हमारा जो सेकेंड इवेंट है यानी कि बल्ब टेकन आउट इज अ नॉन डिफेक्टिव, लेट मी राइट द इवेंट। इवेंट इज बल्ब टेकन आउट इज नॉन डिफेक्टिव। तो इस इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स जो है वो कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ आउटकम्स favorable to the event is equal to 15। ठीक है, पहले 16 थे, उसमें से एक हमने निकाल लिया, तो अब बचे कितने? 15। अब हमें इसकी probability find करनी है, probability that the bulb taken out is non-defective, जिसमें numerator में होगा favorable outcomes। सो न्यूमरेटर में होगा फेवरेबल आउटकम्स जो कि इस केस में अब 15 है, और डिनोमिनेटर में होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि अब इस केस में 19 है। नाउ ये तो रिड्यूस हो नहीं सकता, दैट मीन्स यही हमारा आंसर है। क्लियर?